वेलकम टू डिस्कवर टैलेंट फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट विनोद आज आपके लिए लेके आया हूँ हाउ टू क्रिएट ए रेज्यूमे इन वर्ड डॉक्यूमेंट। राइट, आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ दी टाइम्स अपने को रेज्यूमे की रिक्वायरमेंट होती है, राइट, सीवी। सो वो अपन मोस्ट ऑफ द टाइम गूगल से सर्च करके डाउनलोड कर लेते हैं, राइट। समटाइम्स वो फाइल भी अपने को मिलती नहीं है, टेम्पलेट। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ ईजिएस्ट वे इन MS डॉक, ठीक है। आप वहाँ पे अपने हिसाब से, ठीक है, रिज्यूमे कैसे क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं विदाउट फर्दर डिलेज, ठीक है। सो मैं यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट पे पहले क्लिक करूँगा, राइट। यहाँ पे कुछ मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट करूँगा मेरा रिज्यूमे, राइट। ये कुछ टाइप कर रहा हूँ मैं रिज्यूमे, ठीक है। जब भी आप ब्लैंक पे कर्सर आपका होगा, राइट, तभी आपको कुछ यहाँ पे पैराग्राफ में जाओगे आप, तो यहाँ पे लाइन लेफ्ट करके आपका टैब होगा, राइट। आपको सेंटर पे क्लिक करना है, सेंटर अलाइनमेंट, यहाँ पे टाइप करो रिज्यूमे, ये आपने टाइप कर लिया आपका रिज्यूमे, ठीक है। बेसिक से बता रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपको, क्योंकि मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स बेसिक से चाहते हैं कि मैं स्टार्ट करूँ, ठीक है। सो मैं इसलिए बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द यू नो इंटरमीडिएट भी रहेंगे यहाँ पे मेरे फॉलोअर्स, ठीक है। सो दोस्तों प्लीज़ मुझे एक्सक्यूज करो इस चीज़ के लिए, ताकि मैं चाहता हूँ कि अपने फ्रेशर लोग हैं उन भाइयों को भी मैं साथ में लेके जाना चाहता हूँ, ठीक है। रिज्यूमे हुआ, इसको मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ पे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, देन बोल्ड कर दिया इसको, ठीक है। एंटर प्रेस कर रहा हूँ एंड देन अगेन यहाँ पे क्लिक करूँगा अलाइन लेफ्ट, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये टैग वहीं पे रहेगा, एज एन अंडरलाइन एंड बोल्ड वहीं पे सिलेक्ट रहेगा। तो मुझे टाइप करना है नेम, ठीक है। अभी कीबोर्ड पे अगर आप जाओगे, ठीक है, कीबोर्ड में दो ऑप्शन रहेगा, शिफ्ट प्रेस करना है आपको और सेमी कॉलन प्रेस करना है, ठीक है दोस्तों। मैं ज़रा जूम करता हूँ ताकि आप देख पाओ क्लियरली मैं एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये कर दिया, इसके बाद में मैं कर रहा हूँ कुछ नाम टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। अभी दोस्तों मैं फिलहाल देखो नाम ना, यहाँ पे नाम अगर मैं टाइप करूँगा तो यहाँ पे मुझे जो फॉर्मेटिंग है, ठीक है, बोल्ड और अंडरलाइन वाली, वो भी यहाँ पे फॉर्मेटिंग ऐड हो जाएगी। मैं दिखाता हूँ आपको, रॉक्स पटेल, ठीक है, मैंने कुछ डाल दिया। अभी मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा पहले पूरे कंटेंट को, यहाँ पे अंडरलाइन रिमूव, ठीक है, अगेन एंटर, ठीक है। अगेन वो जो मेरी प्रीवियस वाली फॉर्मेटिंग थी वो मुझे वापस मिल जाएगी, ठीक है। एड्रेस सेम, शिफ्ट प्रेस करके मैं सेमी कॉलन दे रहा हूँ, ठीक है। देन सेमी कॉलन, या उसे क्या बोलते हैं आई डोंट नो, बट मैं सेमी कॉलन ही बोल रहा हूँ उसे, ठीक है। आप चाहिए तो गूगल कर लेना बाद में। मैं डालता हूँ इंडिया, और मे बी आपका कुछ जो कुछ एड्रेस हो आप यहाँ पे टाइप कर दो, ठीक है। एंटर प्रेस कर रहा हूँ अगेन, मुझे अगेन एड्रेस के लिए भी रिक्वायरमेंट नहीं है ये फॉर्मेटिंग, तो मैं फॉर्मेटिंग हटा रहा हूँ, ठीक है। एंटर प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे वापस बोल्ड एंड अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। सेक्स यहाँ पे मेल, ठीक है, मैं मेल प्रेस कर रहा हूँ, आपका कुछ हो, ठीक है, सेक्स में तो आप वो ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपके कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कुछ हो, ठीक है, तो वो भी टैब आप ऐड करके ऐसे वन बाय वन नीचे ऐड कर सकते हो दोस्तों। बड़ी सिंपल वे में आप रिज्यूमे क्रिएट कर सकते हो दोस्तों वर्ड डॉक्यूमेंट में, यही मुझे आपको बताना था, ठीक है। अगर आपके पास आपको रेडीली टेम्पलेट भी मिल जाएंगे क्रोम के ऊपर अगर आप सर्च करोगे तो, बट मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, ठीक है, जब भी आप न्यू पे क्लिक करोगे, ठीक है। अभी मैं इसको कंट्रोल W प्रेस करके ये फाइल को मैं क्लोज कर रहा हूँ, मुझे चाहिए नहीं है, ठीक है। जब भी मैं न्यू डॉक्यूमेंट कुछ करता हूँ यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शन देगा, वो न्यू पे क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो ये रिज्यूमे अगर मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे रिज्यूमे की फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मुझे ढेर सारे फॉर्मेटिंग रिपोजिटरीज, ठीक है, यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी टेम्पलेट उठा सकते हैं, ठीक है। देखो बस बहुत सारी खूब सारी है, ठीक है। अभी कुछ मोस्ट ऑफ दिनों ट्रेंडिंग में चल रहा है वो फोटो वाला, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन क्रिएट पे क्लिक, ये मेरा टेम्पलेट कुछ डाउनलोड होगा, ठीक है,
और ये यहाँ पे कुछ ऑटोमेटिकली मेरा टेम्पलेट आ जाएगा, ठीक है, रिज्यूमे आ जाएगा। यहाँ पे मुझे क्लिक करके सिंपली जो कुछ क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग में जाके मैं फोटोज चेंज करूँगा लेआउट में। अगर चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी क्लिक राइट क्लिक मार के कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे आप इंसर्ट में जाके, ठीक है, इंसर्ट पिक्चर्स, और यहाँ से आप अपना फोटो लेके यहाँ पे इसको रिप्लेस मार सकते हो। रेसिपिएंट नेम जो है वो मिस्टर, कंपनी नेम करंट, आप कौन सी कंपनी में काम में हो एज पर दी यू नो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और आपकी जो डिटेल्स होंगी, ठीक है, आप यहाँ पे डिटेल्स फिल कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये भी वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।